वो बोला जाता है दैट इज हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम इन इंक्लूड द गंगा द इंडस ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर देन द पेनिनसुलर रिवर लाइक नर्मदा ताप्ती महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सब रिवर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के देश में ड्रेनेज सिस्टम के लिए सो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया दट इज द रिवर डिवाइडेड इंटू द टू मेजर ग्रुप्स दट इज हिमालयन रिवर एंड पेरेंसुलर सो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग कुछ थोड़ा पिक्चर देखेंगे मैंने ये गूगल से ही डाउनलोड किया है लेकिन ये पिक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर डिविजन बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का जो फ्लोइंग है, है तो वो कैसा इज़ द हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुला रिवर जो है और हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुला रिवर के बीच इन लोगों को सॉरी इनको हम हिमालयन रिवर्स को हम टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं दैट इज द ओल्डर देन हिमालयन रिवर एंड यंगर देन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर को वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं पिक्चर बहुत ही खूबसूरत है तो ये आप लोगों के लिए समझने के लिए आ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे मैंने गूगल में बहुत सारा पिक्चर देखा लेकिन मुझे यही सबसे बेस्ट लगा

एंड नॉन पैरानियल नियल एंड रिवर्स दट इज दिजिनेटिंग इन द हिमालय इन दॉर्थ पेनसुलर इन एंड द साउथ रेस्पेक्टिवली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पैटर्न होता है डिफरेंट पैटर्न मीन्स हम लोग अगर बात करेंगे डिफरेंट पैटर्न का दट मीन्स ये है पैराल पैटर्न सॉरी ये लाइन थोड़ा ये है पैरल पैटर्न ये क्या ये टाइल्स के तरह है ये एक ऐसा पैटर्न भी होता है ऐसा पैटर्न भी होता है इसके बाद रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है ऐसे रेक्टेंगुलर कैसे होता है हम जानते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है पैटर्न पैटर्न होता होता है होता है ड्रेनेज डिफरेंट शेप यहाँ पर जो मैंने दिखाया डिफरेंट शेप का पैटर्न यहाँ पर हम ड्रेनेज सिस्टम में देख देखते हैं तो इसमें से मेन जो है दैट इज सरफेस एंड फ्रिंज फ्रिंच जो कर, करता है वो अंदर तक मैंने वाटर को लेके जमीन के अंदर से लेके जाता है दैट इज फ्रेंच फ्रेंच ड्रेनेज सिस्टम एंड सरफ़ेस जो है सरफ़ेस के ऊपर से जो जाता है जो हम देख सकते हैं उसी को सरफ़ेस ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं फ्रेंच ड्रेनेज सिस्टम इज मैनेज सरफ़ेस वाटर टू द प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी आइडियल रिटेनिंग वर्ल्स फाउंडिंग एंड द फुटिंग फुटिंग Uh, uh, that is the uh, perimeter drain, landscape drains, and the sports field. It is the most common drainage problem. It is also the easiest to fix. The extending down uh, downspouts away from, uh, from a housing or building. एंड सरफेस ड्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे सरफेस ड्रेनिंग क्या होता है लार्ज वॉल्यूम में वाटर जहां पर जहां से सप्लाई होता है दैट इज द इंस्टॉल्ड ऑन द स्लोप ऑफ द सरफेस लाइक द शावर शावर सरफेस ड्रेनेज का एक एग्जांपल्स uh, है दैट इज द ड्राइवर्स कैच सरफेस द वाटर रन ऑफ द ड्रेन एंड द बिफोर इट कलेक्ट द कॉज दैट इज द सीरियस डैमेज तो यहाँ पर हम फ्रेंच ड्रेनिस का एक पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब अंदर से ग्राउंड के अंदर से यहाँ से पानी जाता है फ्रेंच ड्रेनेस का कुछ पार्ट है यहाँ पर वाटर प्रूफिंग प्रोटेक्शन लेयर होता है दट इज द क्लोथ होता है सैंड एंड ग्रेवल होता है फ्रेंच ड्रेनेज पाइप जो है सा होता है सो so, इस तरीके से फ्रेंच ड्रेनेज सिस्टम जो होता है ये हो चलता है सो थैंक यू सो मच दैट्स ऑल फॉर नाउ प्लीज कीप वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टिल देन गुड बाय